चैनल हम लोगों ने जो पीछे पढ़ के आए वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था, उसी को आगे लेके चलेंगे। अभी ये हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हैं। हम दो टाइप्स पढ़ चुके हैं, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। आज जो हम लोगों ने इसकी टाइप पढ़नी है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन पे पहले आते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी। डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम। यहाँ पे जो एम है, एम हम यहाँ पे कोई सभी कोई मैट्रिक्स कह रहे हैं, वो जो मैट्रिक्स होगा उसका जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल नहीं होंगे। अभी हम यहाँ पे कोई ना कोई एग्जांपल लेते हैं एम, ठीक है, उसको हम क्या लेते हैं, वो है हमारे पास 1 2 1 1 2 3। अब इट्स नॉट इक्वल टू, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखो, इसी डेफिनेशन में हमारे पास एक और डेफिनेशन यूज हो रही है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ही हम बता सकते हैं कि जो है हमारे पास नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के या नहीं। अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें कितनी रोज है, R1 R2 R3, ये, और कॉलम कितने हैं, C1 C2। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, एम कितने हैं, 3 है, और कॉलम एन कितने हैं, 2 है। क्या नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, नहीं है ना, क्योंकि एक 3 है और एक 2 है। तो जहाँ पे इक्वल है, नहीं है ना, क्योंकि एक 3 है और एक 2 है। तो जहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम जो आगे करेंगे वो है स्केयर मैट्रिक्स। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो वो क्या कहता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केयर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। मतलब स्केयर मैट्रिक्स में कह रहा है कि इसके जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होंगे, आप इसमें इक्वल होंगे। एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल में कहता है ए इज इक्वल टू, लेट्स आप एग्जांपल करते हैं ना, तो उसमें कहता है 2 -1 0 और 3। अब इसमें नंबर ऑफ रो R1 R2 R2, कॉलम कितने हैं, C1 C2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 by 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो कहता है P इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3। अब इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखें, R1 R2 R3, कॉलम देखें C1 C2 C3, तो इसमें भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम। क्या फर्क है रेक्टेंगुलर स्केयर मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर में कहेंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, जबकि स्केयर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। ये थी आज की हमारी वीडियोस। कुछ भी अगर क्यूरीज हो किसी भी डेफिनेशन में, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Subscribe on YouTube channel and please like and share our videos and press the bell icon for